अपन क्या करेंगे ना सेंट्रल एटम के लिए, मैं सेंट्रल एटम को दो टाइप से चेक कर सकता हूँ। एक तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मॉलिक्यूल में ना द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो मैं दो टाइप से सेंट्रल एटम को बता सकता हूँ। एक तो होता है द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव। यूनिक क्या हुआ यूनिक दर्श? मुझे लगता है वो साउंड उसका ऑन हो गया। द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इन मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक तो ये सेंट्रल एटम इस टाइप से हो सकता है कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल हमें गिवन है तो उसमें मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा होगा। और दूसरा, क्योंकि इससे ना अगर मोस्टली क्या होता है कभी कभी, इससे हम 100% मॉलिक्यूल में नहीं बता सकते, तो हमने एक दूसरा तरीका निकाला और वो था ट्रस्टेबल एटम। तो अपन ने कहा भाई लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, ट्रस्टेबल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, है ना। तो लीस्ट ट्रस्टेबल एटम तो वो सेंट्रल एटम हो सकता है। इससे लीस्ट ट्रस्टेबल एटम वाला जो पार्ट है ना, इससे अपन को 100% आंसर मिलता है सेंट्रल एटम। इसमें कभी कोई मतलब एक्सेप्शन नहीं रह जाता। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है H2SO4, तो अब अपन कहेंगे अगर इसमें H2SO4 में देखा जाए, तो अपन अगर H2SO4 देखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, तो H2SO4 में विल राइट दैट भाई इसमें हाइड्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जबकि सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, सल्फर। लेकिन अगर दो एटम ऐसे प्रेजेंट है ना जैसे PCl5 है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसी को होना चाहिए सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिससे बाकी अदर एटम को अपन बॉन्ड करते हैं। और H2SO4 में क्या होगा, H2SO4 में अपन को पता है सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम। तो जैसे अपन ने लिखा कि भाई लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इसमें सल्फर है, लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इसमें फास्फोरस है, क्योंकि क्लोरीन आपने ट्रस्टेबल सीरीज में लिखवाया था हेलोजन्स में। इधर आपने ट्रस्टेबल सीरीज में हाइड्रोजन भी लिखा, ऑक्सीजन भी लिखा, लेकिन सल्फर नहीं था। तो सेंट्रल एटम वो होता है जो हमारे ट्रस्टेबल सीरीज में जिसका प्रायोरिटी कम हो या फिर जो हो ही ना। अगर ट्रस्टेबल सीरीज में नहीं है, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी बाकी सब एटम से जो ट्रस्टेबल सीरीज में है उससे तो बन रहे। बताओ अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे पता चल गया कि इधर सल्फर है, इधर PCl5 है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है। तो जो अपन ने ट्रस्टेबल सीरीज लिखा है उसका मतलब ये है कि हम एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा फिक्स हो जाएगा, या उसे कहेंगे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे उसे। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है? तो अपन कहेंगे जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन तो ट्रस्टेबल सीरीज में था, ऑक्सीजन भी था, सल्फर नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का फिक्स होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन का फिक्स होगा सल्फर के कंपैरिजन में। मतलब सल्फर को अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना पड़ेगा और बाकी जिन जो ज्यादा ट्रस्टेबल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा जो आपने ट्रस्टेबल सीरीज में, वो फिक्स होगा। तो ट्रस्टेबल सीरीज में ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ट्रस्टेबल सीरीज में आपने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो मैं लिखूंगा +1 × 2। एक हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, +1, तो दो हाइड्रोजन के लिए मैंने तो लिखा प्लस। सल्फर के लिए एक्स लिख लेता हूँ जिसको कैलकुलेट करना है, और एक ऑक्सीजन होता है -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ =0, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज 0। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई 2 + x - 8 = 0, सो विल गेट दैट 2 + x = 8, सो x = 8 - 2, सो x = 6। दैट इज द आंसर, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये उसका ऑक्सीडेशन।
तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्यों लिखे हैं ऐसे। तो अपन कहेंगे देखो, जैसे जब हम एच और सी एल में कोई बॉन्ड बनाएंगे, तो जब कोई दो एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, अगर उनमें बॉन्ड बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है मुझे पता होना चाहिए ना कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। तो अपन क्या कहेंगे, क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। व्हाई यू आर राइटिंग डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव? बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्टेड होता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उससे हमें क्या फायदा, हमें फायदा यह है कि जब भी हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, ये बॉन्ड उसकी तरफ ब्रेक होता है। तो जब अगर इसको ब्रेक करेंगे, तो विल गेट दैट एच पॉजिटिव आयन एंड सी एल माइनस आयन। मतलब जब अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे या उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो मुझे पहले से पता होगा कि मुझे किसका कैटायन बनाना है और किसका एनायन बनाना है, लाइक दैट। और उसके लिए अपन थोड़ा सा H2SO4 PCl5 इस टाइप से। और PCl5 में कुछ था ही नहीं है, उसमें तो अपन कहते भाई इसमें तो X है, एक Cl माइनस वन होता है, तो 5 Cl कितना हो जाएगा, -5। और पोटेशियम कितना ले रहता है, X = 0, X = +5, तो इसमें फास्फोरस प्लस ठीक है, राइट लगता है। समझ में आया? तो अब जैसे मैंने बताया, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, लेकिन क्वेश्चन देने के पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा पार्ट और समझाऊंगा। अब देखो, कुछ एनाइंस वगैरह अपन को पता होने चाहिए कि भाई, जैसे सपोज करते हैं कि अपने पास, मैं इसको हटाता हूँ, जैसे अपने पास सपोज करते हैं ऐसे FeCN होल्ड कॉइल्स, तो अपन करेंगे क्या, अगर ये स्मॉल ब्रैकेट आप यूज करोगे ना, तो इसका मतलब है मुझे पहले से पता है कि CN पे -1 चार्ज होता है, दैट इज अ साइनाइड आयन। अगर उस पर पहले से -1 चार्ज अपन को पता है, दैट इज अ साइनाइड आयन, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर आप डायरेक्टली लिख लो ना उसको, क्योंकि साइनाइड पे तो -1 चार्ज होता है। तो अपन क्या करेंगे, उस पर डायरेक्टली लिखेंगे कि Fe पे, अगर साइनाइड पे -1 चार्ज है, तो -1 × 2 हो जाएगा, ये साइनाइड आयन हो गया। और इसके लिए एक्स ले लेते हैं, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, 0। तो अपन क्या करेंगे, X − 2 = 0, X = +2। तो अपन कहेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेटस में क्या है, +2 है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा, वो अपन बता सकते हैं। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब है मुझे डायरेक्टली पता होना चाहिए ना कि भाई सीएन पे टोटल चार्ज कितना, -1 है। अदरवाइज में क्या करता भाई, यह कार्बन के लिए अलग कैलकुलेट करता, नाइट्रोजन के लिए अलग कैलकुलेट करता, और फिर उसमें एक पार्ट आता कि ना तो आपने ट्रस्टेबल सीरीज में आयरन को लिखा था, और ना ही आपने ट्रस्टेबल सीरीज में कार्बन को लिखा था। फिर तो मुझे क्या करना पड़ता, मतलब फिर मुझे चेक करना पड़ता। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से इंफॉर्मेशन होता है कि कौन से एनाइंस पे क्या चार्ज होता है, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन। तो इस टाइप से अगर मुझे ये पता हो कि वो आइंस जिनमें एक से ज्यादा एटम है, तो अगर एनाइंस में या कैटाइंस में जिनमें एक से ज्यादा एटम है, अगर उस पे कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से मुझे पता होगा, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल आयन। तो चेक कर लेते हैं, तो एक बार अपन ये लिख लेते हैं कि कौन सा एनाइन है जिस पे कितना चार्ज होता है, और कौन सा कैटाइन है जिस पे चार्ज होता है, या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक से ज्यादा एटम है, उस पे चार्ज ही नहीं होता है, उस पे चार्ज हमें जीरो कंसीडर करना होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, व्हाट आर द कैटाइंस एंड द एनाइंस जो अपन को पता होना चाहिए। तो ज्यादा तो अगर हम देखेंगे तो भाई एनाइंस ही होते हैं, कैटाइंस तो होते नहीं है। तो ज्यादा एनाइंस होते हैं तो फिर एनाइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादा जो होते हैं वो एनाइंस होते हैं, तो फिर एनाइंस की बात कर लेते हैं भाई। तो विल राइट द एनाइंस है। अब अगर मैं एनाइंस की बात करेंगे, तो जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, मैं उनके नाम लिख लूंगा, मैं चार्ज लिख रहा हूं, आपको चार्ज पता होना चाहिए, फिर मैं नाम भी लिखूंगा इनका, है ये कौन सा आयन है, वो नाम लिखेंगे तो थोड़ा अपन को आयुपिक नेमिंग भी पता चलेगा कि किसको क्या बोलते हैं।
ठीक है, तो इसको अपन कार्बनेट आयन बोलते हैं, ठीक है, इसको सल्फाइट आयन बोलते हैं, इसको अगर एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फिर उसे काई सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है, बाइसल्फेट बोलते हैं, ये बाइसल्फेट होगा क्योंकि ये तो SO4 है और SO4 टू नेगेटिव सल्फेट होता है तो ये बाइसल्फेट होगा, इसको अपन ऑक्सीडेट बोलते हैं, इसको साइनेट बोलेंगे, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, इसको एसेटेट बोलते हैं और इसको बाइसल्फेट। इस टाइप से अपन ने कुछ एनाइंस लिखे और मैंने बड़ी कॉमन एनाइन लिखे हुए हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, तो अपन ने वो एनाइन लिखे, राइट। अब इन एनाइंस के अलावा देयर विल बी सम ऑफ देम, जैसे कि अपने पास गिवन होंगे एनाइंस के अलावा, दैट इज कैटाइंस की बात कर लेते हैं और कुछ एनाइंस और लिख लेते हैं अगर अपन को थोड़ा सा, और अगर एनाइंस में भी पॉसिबल से और पूछे तो ऐसे लिख लेते हैं, कुछ कॉमन तो लिख ही लेते हैं जो काफी कॉमन होते हैं वो अपन को पता होना चाहिए, है ना। फिर मुझे ये नहीं लिखना, ये ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये सब अपन को पता है तो अपन को वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इससे अपना काम चल जाएगा। ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट, ये बोरेट, ये अपन ऐसे एनाइंस लिखते हैं। अब अपन कैटाइंस की बात कर लेते हैं। वैसे कैटाइंस में जनरली एक ही कैटाइन मोस्टली यूज होता है और वो होता है अमोनियम। कैटाइन में मोस्टली एक ही कैटाइन यूज होता है और उसको अपन कहते हैं अमोनियम आयन, दैट इज द कैटाइन व्हिच इज जनरली यूज्ड, ठीक है। लास्ट वन वाला जो होगा वो बाइसल्फाइड होगा, सल्फर है ना, इसलिए ये बाइसल्फाइड होगा। ठीक है, ये बाइसल्फाइड, तो कैटाइंस वी कैन राइट लाइक दिस, ये कैटाइंस है अपने पास, अमोनियम आयन होगा, देयर आर मोर नंबर ऑफ कैटाइंस, लेकिन मैं इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूं कि मे बी पॉसिबल अपन से नहीं लिखेंगे। नाइट्रोसोनियम अभी नहीं पूछना चाहिए अपन को, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पूछेंगे, अभी नहीं पूछना चाहिए इन इनिशियल स्टेज, तो इतना एनाइंस अपने लिए काफी होगा, ठीक है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखते हैं अपन, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिख रहा था, H2O वाटर होता है अपन को पता है, इसको अपन एक्वा लिखते हैं, NH3 अमोनिया होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी न्यूट्रल होता है, N2O न्यूट्रल होता है, N2O इज अ लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस होता है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैन बी 10 to 15 तक लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उतना ही लिख रहा हूँ जितना अपने लिए अभी जरूरी होगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं, राइट ना। तो थोड़ा धीरे धीरे अगर हमें याद होगा तो हम इसको पहले याद करेंगे, फिर उसके बाद आगे याद करेंगे, तो फिर भी ना ऐसे लिख लेता हूँ। डू यू नो वॉट इज एल्केन्स, जैसे अपन लिखते हैं C2H6 ईथेन, सो नॉट ओनली ईथेन बट ऑल एल्केन्स, All alkenes,
वैसे ही अगर मैं इससे दो हाइड्रोजन कम करेंगे तो इसको कहते हैं अपन इथीन, तो इसको मैं ऑल एल्कीन्स भी बोल सकता हूँ। और अगर इसको सी टू, इसमें दो और हाइड्रोजन कम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इथाइन, तो मैं ऑल एल्काइन्स भी बोल सकता। अब हाइड्रोकार्बन में भी पॉसिबल, अपन को यूज नहीं करेंगे अभी, बट थोड़ा सा लोअर क्लासेस में हाइड्रोकार्बन आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, इसलिए मे बी पॉसिबल उसको अपन यूज कर पाए, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे, दैट इज विल राइट दैट, इनको यूज कैसे करेंगे मॉलिक्यूल्स में, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट, कि भाई हमारे पास, ठीक है, जो अपन ने लिखा हुआ है उसको अपन कैसे बताएंगे, उसको कैसे लिखेंगे अपन, राइट। तो चलो देखते हैं, अपन मान लो मेरे पास, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये एनायंस वाला पार्ट आपने लिख लिया होगा। अब अपन से सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन और कैलकुलेशन करते हैं। तो एक एग्जांपल, मैंने आपसे कहा K4FeCN4 6, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होते हैं, मतलब ब्रैकेट के अलावा भी एक और स्क्वायर ब्रैकेट टाइप होता है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें साइनाइड लिखा हुआ है, मतलब सीएन, सीएन पे -1 चार्ज होता है, हम सबको पता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 4 पोटेशियम है, सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल पोटेशियम, और सीएन के लिए मुझे पता है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है जनरली उसमें ना ऐसे जिसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है ना, उसको अंडरलाइन करके बताते हैं वो अपन को, इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि किसके लिए कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई पोटेशियम, पोटेशियम तो +1 होता है और (4), है ना, पोटेशियम तो +1 होता है और इसमें 4 पोटेशियम मैंने तो ले लिया। उसके बाद आयरन एक्स, क्योंकि इसके लिए तो कैलकुलेट करना है, उसके लिए सीएन पे -1 चार्ज होता है, इसके लिए अपन को कैलकुलेट करना है, इस पे 1 पे +1 होता है, तो मैंने +1 × 4 कर लिया, इसके लिए एक्स कैलकुलेट करना है, और इसके लिए मैं लिख लेता हूं -1 × 6 और =0, कैलकुलेट कर लेता, 4 + x - 6 = 0, x = +2 आया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास, मैंने आपसे कहा मेरे पास सी आर, और मैं लिख लेता हूं दैट इज Cl2NH3O4, और यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा। अपन को पता है अगर मॉलिक्यूल पे आप पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो इक्वल टू चार्ज लिखना होता है, जैसे अपन =0 लिखते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये कैलकुलेट करना है, आपको अंडरलाइन करके गिवन होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, एक्स सीएल तो -1 होता है क्योंकि वो तो क्लोराइड है, मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 × क्या करना है अपन को, किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। 0 से क्यों, क्योंकि आपने बताया ना अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब है वो जिन पे चार्ज 0 होता है, तो ठीक है 4 × 0 कर दिया मैंने =, अब तो +1 लिखूंगा ना, +1 क्यों, क्योंकि आपने ओवरऑल आयन जैसे दिया है इसको, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे x प्लस, ये तो -2 हो जाएगा, तो -2 ही लिखते हैं डायरेक्टली, सो x - 2 + 0 = +1, सो x = +3, ये आ गया, कैलकुलेट करके बता दिया। अब सपोज अपने पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल के बने, और मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं और फिर अपन चेक करता है, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल के बने, सपोज करता हूं मैंने आपसे लिखा दैट इज ऐसे मॉलिक्यूल के बने K3FeC2O4O3, और मैंने आपसे कहा आयरन के लिए कैलकुलेट करो। अब आपको क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑक्सिलेटाइन, और ऑक्सिलेटाइन तो आपने लिखवाया था दैट इज -2, और ये पोटेशियम है जो +1 होता है,
इंटरलाइन किया, किसके लिए कैलकुलेट कर पाए, तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई इधर प्लस वन इंटू थ्री कर देते हैं, प्लस एक्स ले लेते हैं, प्लस अपन इसको लिखते हैं माइनस टू इंटू थ्री इजिकल टू जीरो कर देते हैं। तो ये थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू प्लस थ्री आ गया। ये तो अपन कैलकुलेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरीबडी गॉट इट? तो ठीक है, वी गॉट इट। तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ और अब आप कैलकुलेट करके बताओगे। तो मेरे पास, या एक और मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ फिर अपन क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप थोड़ा और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। सपोज मैंने ऐसे लिखा हो मोलिब्डियम, ये एमओ इज अ मेटल, मोलिब्डियम मेटल राइट ना, और मैंने इसको ओ थ्राइज लिखा और सी टू एच फोर होल ट्वाइस लिखा, होल थ्राइज इसको लिखा और ऐसे लिखा, और फिर मैंने आपसे पूछा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो अपन क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए कैलकुलेट करना है तो मैं एक्स लूंगा, ये तो O3 है। अब O3 ओजोन तो हो नहीं सकता, इट इज ऑक्साइड, क्योंकि ओजोन का भी मॉलिक्यूलर जैसे नहीं गिवन होगा, इट इटसेल्फ उसका तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो क्यों गिवन होगा? तो इसका मतलब है इसमें तीन ऑक्सीजन गिवन है, एक ऑक्सीजन माइनस टू है और थ्री ऑक्सीजन माइनस सिक्स हो जाएगा, और प्लस थ्री इंटू क्या करना पड़ेगा अपन को, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, और जब हाइड्रोकार्बन होता है तो अपन को पता है हाइड्रोकार्बन में क्या लिखना होता है, वो तो न्यूट्रल होते हैं, एल्केन भी न्यूट्रल था, एल्कीन भी न्यूट्रल था और एल्काइन भी न्यूट्रल था, तो अपन क्या लिखेंगे, क्या जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स माइनस सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स आ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स आ रहा है अपने पास। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, तो अब आप कैलकुलेट करके बता देना मुझे। तो सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉलोइंग, है तो इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल के हैं, आप ऑब्जर्वेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताओ मुझे।
हो गया। तो फिर मैं उसमें चेक करता हूँ, अगर कोई आपको डाउट होगा तो बता देना भाई। ठीक है ए वाले कंपाउंड में ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 आया, किसी को डाउट है क्या? आया ये प्लस 2 आया, तो चलो कैलकुलेट, ऐसे क्रोमियम प्लस 3 होता है तो, लेकिन उसमें प्लस 2 आ रहा है मेरा, तो प्लस 1 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2, प्लस 2 आ रहा है भाई, इसमें तो प्लस 2 आ रहा है, तो प्लस 3 नहीं प्लस 2 आ रहा है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे प्लस 1 इंटू 2, क्योंकि सोडियम तो प्लस 1 होता है और ऑक्सीडेट माइनस 2 होता है, ऑक्सीडेट क्या होता है माइनस 2 होता है। तो अपन अगर जरूरत पड़े तो अपन ऐसे लिख भी सकते हैं, यहाँ तो मैंने दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है अपने पास, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉपर आपने प्लस 2 दे रखा है, ये माइनस 1 है, तब तो आयरन प्लस 2 आ रहा है, डायरेक्टली अपन देख सकते हैं उसको कैसे, क्योंकि प्लस 2 इंटू 2 लिखोगे आप इसके लिए, प्लस एक्स आपको कैलकुलेट करना है, माइनस 1 इंटू 6 करना है, इक्वल टू 0 करोगे तो 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। फिर अपन इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब अपन इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ना, ऐसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2, ऐसे ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, और ब्लीचिंग पाउडर में ऑब्वियसली बात है अगर अपन चेक करेंगे तो इन सब में सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल तो कैल्शियम होगा, तो ग्रुप 2 एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर क्लोरीन होगा। तो अपन इसको ऐसे भाई कैल्शियम इज, इसके लिए कैलकुलेट करना है वो लीस्ट ट्रस्टेबल था, तो कैल्शियम इज प्लस 2 प्लस, ये प्लस 2 इंटू 1 है क्योंकि कैल्शियम होता है प्लस 2 और ये होता है माइनस 2, ये तो प्लस 2 इंटू 1 प्लस ये माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये 2 प्लस ये 2 माइनस 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें, तो अपन बता देंगे भाई इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज 0, राइट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज 0। और अगर मुझे ऐसे की बताना C6H12O6, तो इसमें लीस्ट ट्रस्टेबल यही था हमारे पास, और इसी के लिए कैलकुलेट करना होता है, तो अपन कहेंगे ये तो 6x हो गया, ये प्लस 1 होता है और ये माइनस 2 होता है, तो अपन कहेंगे भाई प्लस 1 इंटू 12 प्लस माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, 6x प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तब तो अपने पास क्या आया, ये माइनस 2 था, ये प्लस 1 था, ये माइनस 1 माइनस 2 था, ऐसे तो अपन लिखेंगे 6x, ये तो कैंसिल हो गया, तो इट विल बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, इसमें तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, कोई बात नहीं, x का वैल्यू 0 हो सकता है। अगर अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए कैलकुलेट करके चेक करते हैं, 7C7H7O ये कैलकुलेट करना है, तो ये 7x हो गया अपने लिए, प्लस ये 7 इंटू 1 हो गया और प्लस माइनस 2 इंटू 1 हो गया, तो क्या लिखेंगे इक्वल टू 0, तो अपन लिखेंगे 7x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 आया, कितना है अपने पास माइनस 5 बाई 2 आया, कोई बात नहीं, जो आएगा वो अपन लिखेंगे, बट कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर माइनस 5 बाय 7 आया, अच्छा माइनस 5 बाय 7 आया, राइट ना, सो विल जस्ट माइनस 5 बाय 7, ठीक है।
अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन एक मैथ और देखते हैं। जैसे सपोज अपने पास गिवन है, ऐसे मैं इसको एक और दूसरे तरीके से आपको एक और पार्ट बताता हूं। ऐसे देखो, जब हम सबको पता है, कभी कभी अपन को मॉलिक्यूल में भी पूछ सकते हैं बना के, मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गिवन होगा, लेकिन अभी है मैं स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाऊंगा बॉन्डिंग वाले पार्ट में। अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, अगर मुझे ऐसे ऐसे गिवन है HCl, तो अपन को पता है यहाँ पर माइनस वन चार्ज लिखना है, इधर प्लस वन चार्ज लिखना है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, जैसे इस पे तो मुझे पता है इस पे माइनस वन है, इस पे प्लस वन है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो MgCl2, तो अपन कहेंगे भाई देखो एक Cl माइनस वन होता है, तो मुझे दो Cl के लिए माइनस टू करना पड़ेगा, इसलिए मैग्नीशियम प्लस टू होता है। तो अपन को पता है MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एवरीबडी नो। बिल्कुल वैसे ही अगर अपन लिखेंगे कि भाई मैंने आपको मैग्नीशियम सल्फेट लिख के बताया, तो भी अपन को पता है कि ये प्लस टू होगा। व्हाई इट इज सो? आपने बताया ना सल्फेट माइनस टू होता है। हाँ, अगर आप सल्फर के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोलो तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, अदरवाइज मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम प्लस टू और सल्फेट माइनस टू होगा। सल्फर के लिए बोलोगे तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, इधर मैग्नीशियम की वजह से प्लस टू हो गया इंटू वन, प्लस सल्फर एक्स हो गया, प्लस ये माइनस टू इंटू फोर हो गया, इज इक्वल टू ओवरऑल मॉलिक्यूल जीरो रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स आया। तो मैं ये बता दूंगा कि सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सिक्स है, ठीक है भाई। वो तो वैसे भी आपको पता है भाई, अगर मैं सिर्फ सल्फर लिखता तब भी, सल्फेट आयन लिखता तब भी मैं ऐसे करता कि मैं क्या करता, मैं कहता अच्छा ठीक है मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ SO4 2 नेगेटिव, तो सल्फर में कैलकुलेट करो तो अपन कहते हैं एक्स प्लस माइनस टू इंटू एट माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू, अब ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज था ना माइनस टू, ये पूरे मॉलिक्यूल पे था सल्फेट आयन, तो इसको माइनस टू लिख लेते हैं। लो भाई एक्स का वैल्यू फिर प्लस सिक्स आया। तो अपन कहते हैं अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट लिखो या सल्फेट आयन लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल रिमेन सेम। यस, बिकॉज जब मैग्नीशियम सल्फेट लिखोगे तो ये अपन को डिपेंड नहीं होंगे, तो अपन क्या करेंगे, लेकिन हमें पता है ट्रस्टेबल सीरीज में मैग्नीशियम ज्यादा ट्रस्टेबल था, तो प्लस टू इसके लिए कैलकुलेट करना है, इसके लिए माइनस टू इंटू फोर लिखा इक्वल टू जीरो लिखा। अगर मेरे पास ऐसे गिवन होगा, क्योंकि अपन को पता था कि भाई सल्फेट आयन में इट इज लाइक दिस, तो अपन क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है CO2, तो अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में इसके लिए अगर कैलकुलेट करना है तो x प्लस ऑक्सीजन पे तो माइनस टू होता है, तो माइनस टू इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू प्लस फोर आता। तो मतलब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का वो कितना आता अपने पास, प्लस फोर आता। तो अपन कहेंगे देखो अगर मुझे आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख के दे दो और फिर मुझसे कहो कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो भी मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूंगा। कैसे, मैं इसको CO2 लिख लूंगा और वैसे कैलकुलेट कर दूंगा। अच्छा, तो फिर फायदा क्या है ऐसे लिखने का? हाँ, अगर आप ऐसे लिख के दोगे तो मैं इसमें ये बता सकता हूं कि जब एक बॉन्ड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे आप क्या लिखते हो, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे माइनस वन चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे प्लस वन चार्ज। तो अगर किसी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे ठीक है दो बॉन्ड के लिए अपन क्या करेंगे, इस पे माइनस टू और इस पे प्लस टू लिख देंगे, क्योंकि जब एक बॉन्ड होगा तो इस पे प्लस वन, इस पे माइनस वन होगा। एक बॉन्ड के लिए एक प्लस वन एक माइनस वन, ठीक है ना, एक बॉन्ड के लिए एक प्लस वन और एक माइनस वन होगा। तो दो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे दो पॉजिटिव चार्ज होंगे और दो नेगेटिव चार्ज होंगे, तो दो बॉन्ड इधर भी दो बॉन्ड है तो इधर प्लस टू लिखा और इधर माइनस टू लिखा, इधर भी दो बॉन्ड है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे माइनस टू लिखो और इस पे प्लस टू लिखो। कार्बन पे टोटल चार्ज कितना आया, कार्बन पे टोटल चार्ज आया प्लस फोर, वो तो ये भी कैलकुलेट करके लिख रहे थे,
तो फायदा क्या? तो अपन कहेंगे देखो फायदा ऐसे है, अगर मुझे ऐसे गिवन होता ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, राइट। अब अपन कहेंगे देखो भाई अगर मुझे आप ये स्ट्रक्चर दोगे तो मैं कहूंगा ये सिंगल बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा इस बॉन्ड की वजह से। तो फिर मैं इस बॉन्ड की वजह से, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं इस पर प्लस वन लिख लूंगा, इस पर माइनस वन। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात करते हैं क्योंकि फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। अगर क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में माइनस वन लिख, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये माइनस वन है और ये प्लस वन है। क्लोरीन पे ओवरऑल चार्ज क्या है? एक क्लोरीन पे माइनस वन है, एक क्लोरीन पे प्लस वन है, तो टोटल चार्ज हो गया जीरो, जो कि आ रहा था। लेकिन जीरो चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें दो क्लोरीन है और एक क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज है और एक क्लोरीन पे प्लस वन चार्ज है, तो अपन से बोल सकते हो ऑप्शन में जीरो गिवन ही नहीं है और उन्होंने पूछा अपन से दोनों क्लोरीन पे माइनस वन, दोनों क्लोरीन पे प्लस वन, एक क्लोरीन पे प्लस वन और एक क्लोरीन पे माइनस वन, मतलब उस टाइप से अपन से ऑप्शन बना के पूछ सकते हैं। भाई जीरो तो है, ये तो अपन को पता है कि भाई अगर ऐसे लिखोगे तो जीरो तो आ रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे लिखो जीरो, मतलब एक क्लोरीन पे प्लस वन या एक क्लोरीन पे माइनस वन या दोनों पे जीरो, तो वो जीरो कभी कभी अपन को ऑप्शन बना सकते हैं वो ए बी सी डी में कि भाई बताओ इसमें क्लोरीन पे जीरो चार्ज तो होता है लेकिन कैसे, एक पे प्लस वन एक पे माइनस वन या दोनों पे जीरो, तो अपन को पता रहेगा, फिर अपन को स्ट्रक्चर में देखना होता है। यह स्ट्रक्चर बना के दे दिया और फिर आपको बता पूछा कि बताओ कितना चार्ज होगा क्लोरिन पे, बता देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन उसको ऐसे बता सकते हैं व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम्स अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन है। सपोज मुझे ऐसे गिवन होता, एक और एग्जांपल ले लेता हूं और उसके बाद आप स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन से, फिर आप उसको अपने आप चेक कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। सपोज मुझे एक मॉलिक्यूल गिवन है ऐसे, आपको बता दिया कि भाई देखो इसमें कैलकुलेट करके बताओ, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया आपको, ये कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने दे दिया और मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करो कार्बन पे कितना चार्ज है, तो अपन कहेंगे वो तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर सकता हूँ प्लस फोर, उससे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। तो अपन कहेंगे नहीं भाई मेरी मर्जी, मैं आपसे कहूंगा कि बताओ, कोई भी स्ट्रक्चर बना दूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि कार्बन पे कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो अपन कहेंगे देखो ये तो डबल बॉन्ड है, तो आपने बताया था डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस टू और इस पे प्लस टू, डबल बॉन्ड में आपको दो चार्ज लिखने होंगे और सिंगल बॉन्ड में आपको एक चार्ज लिखना होगा। इधर सिंगल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे माइनस वन होगा, इस पे प्लस वन होगा, इस बॉन्ड की वजह से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो इस पे प्लस वन होगा, इस पे माइनस वन होगा, इस बॉन्ड की वजह से इस पे माइनस वन होगा, इस पे प्लस वन होगा, ये बॉन्ड बचा हुआ है तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे प्लस वन होगा, इस पे माइनस वन होगा। देखो ऑक्सीजन पे, सभी ऑक्सीजन पे माइनस टू आ रहा है, हाइड्रोजन पे प्लस वन आ रहा है और कार्बन पे प्लस फोर आ रहा है। तो फिर कहते हैं वो तो मैं वैसे ही कैलकुलेट कर देता, आप मतलब ऐसे क्यों कैलकुलेट करवा रहे हैं मुझसे, यहाँ कार्बन चाहिए ना आपको, तो प्लस वन इंटू टू प्लस ये कार्बन हो गया एक्स माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू हो गया जीरो,
तो x इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास प्लस फोर, तो यहां से भी तो प्लस फोर आ रहा था ना टोटल चार्ज कार्बन पे, यहां से भी प्लस फोर आ रहा है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो अपन कहेंगे कैलकुलेट करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर मेरे पास ऐसे मार्कर है, अब बताओ क्या, तो अपन कहेंगे कार्बन के लिए ना, चलो अभी कैलकुलेट कर देता हूँ, 3x प्लस माइनस 2 इनटू 2 इक्वल टू 0, सो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 बाय 3, आई गॉट अ चार्ज ऑफ 4 बाय 3। अब अपन ने कभी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन तो बहुत कम पढ़ते हैं अपन, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है इसलिए ये फ्रैक्शन है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते तो वो फ्रैक्शन नहीं होते, कोई वैलेंसी अपन ने कभी फ्रैक्शन थोड़ी पढ़ी, बट ये ऑक्सीडेशन नंबर है, वैलेंसी नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई आप ना मुझे इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता दो, तो मैं इसका स्ट्रक्चर दूंगा अगर आपको, तो देखो कैसे लिखेंगे अपन, अपन कहेंगे भाई इसमें एक ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये सी होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है सी होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है सी होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन मैंने अभी आपको साफ साफ बताया कि अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो फिर कैसे बताएंगे, कैसे बनाते हैं वो अभी बिल्कुल भूल जाओ, फोकस करो कि जो आप बता रहे हो वो हमें क्या करना है। अपन क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं नो डाउट, वो लोई स्ट्रक्चर जैसे अपन बनाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इस बॉन्ड की वजह से इस पे माइनस टू होगा, इस पे प्लस टू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बॉन्ड की वजह से भी इस पे माइनस टू होगा और इस पे प्लस टू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अब इस बॉन्ड की बात कर लो, तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसे है, दोनों एटम एक जैसे है, तो अपन कहेंगे ठीक है इस पे जीरो और इस पे जीरो, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे ही हो गया भाई, आपने Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बनाया, बताओ किस पे क्या चार्ज लिखूं, तो मैं कहूंगा ना तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होगा और ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्यों, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इट इज अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। भाई अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखोगे, अगर जैसे एच और सीएल लिख रहे थे, तो अपन ने लिखा इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे माइनस चार्ज, क्यों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कार्बन और क्लोरीन होता तो अपन कहते ठीक है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज, जिसमें प्लस वन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो अगर सेम टाइप के एटम में बॉन्ड होता है तो वहां उस बॉन्ड की वजह से चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा इन दोनों की वजह से जीरो, इधर इन दोनों की वजह से भी जीरो, तो अपन क्या करेंगे भाई, देखो अगर आप मुझे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, सो अगर आप मुझसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हो तो वो 4/3 है, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स पूछ रहे हो कार्बन एटम, तो इसमें प्लस टू और जीरो है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या क्या है, इट इज इक्वल टू प्लस टू एंड जीरो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी कोई एटम, जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आएगा ना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आएगा ना, तो हमको पहले से पता रहेगा कि कोई एटम ऐसा है उसमें जिसमें जीरो चार्ज होगा, क्यों, तभी तो उसकी वजह से वो फ्रैक्शन आ जाना है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। अगर हमसे स्ट्रक्चर गिवन है तो आप इस तरीके से बॉन्ड में कैलकुलेशन सीखना, और अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तो आप इसकी बात बिल्कुल मत करना, आप बस जो भी आपको गिवन हो उसमें आपसे बता देना भाई हमारे लिए तो ये ऑब्जर्वेशन नंबर है, आपको जो मर्जी चाहे लिखो, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछा जाए, स्ट्रक्चर बना के दिया जाए, तब आप उसको वैसे लिखो। स्ट्रक्चर बनाना अभी अपने सिलेबस में नहीं है,
अभी नहीं है, आगे होगा नो डाउट. तो दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द ऑक्सीडेशन नंबर्स. अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट. ये अपना सेकंड पॉइंट था जिसको अपन ने डिस्कस किया. अब अपन लिखेंगे अपना थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट विल बी द ऑब्जर्वेशन नंबर, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ, ठीक है ना, जो ये ऑब्जर्वेशन नंबर लिखते हैं ना अपन, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन नंबर कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो ये ऑब्जर्वेशन नंबर जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना, ये जो है द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ एनी सेंट्रल एटम, द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ एनी सेंट्रल एटम, ऑफ एनी सेंट्रल एटम. मैं सेंट्रल एटम को अब्र एस एस सी ए डॉट ऐसे लिखा करूंगा, राइट ना, पूरा सेंट्रल एटम नहीं लिखने वाले, ऐसे लिखने वाले. सेंट्रल एटम कैनॉट बी, सेंट्रल एटम कैनॉट बी ग्रेटर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता ऑक्सीडेशन से. ठीक है, cannot be greater than its value. तो अपन कहेंगे ठीक है. अब what I mean is, जैसे example लेते हैं, suppose H2SO5 लिख लेता हूँ, H2SO5. यार ये paradigm बहुत परेशान कर रहा है, और ये भी नहीं पता ना कहाँ बैठा हुआ, ये तो डोर बंद करना पड़ेगा. चलो देखते हैं, है? तो अपन क्या करेंगे, H2SO5 है तो इसके लिए सल्फर कैलकुलेट करना है. अगर सल्फर के लिए कैलकुलेट करना है तो फिर भी +1 × 2, और सल्फर के लिए कैलकुलेट करना है तो x −2 × 5 = 0. तो 2 + x − 10 = 0. x इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आया +8 आया, कितना आया +8 आया. तो अपन क्या करेंगे भाई, एक बात बताओ, सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन मतलब सल्फर एटम का एटॉमिक नंबर होता है 60, तो 286 लिख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन ही तो दे सकता है, या मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही तो कर सकता है किसी के साथ, मैक्सिमम ये 6 बॉन्ड ही तो बना सकता है जैसे H2SO4 होता है. तो H2SO4 अपन ऐसे लिखते हैं, हमें लग रहा है ना जानबूझ के परेशान कर रहे हैं. अब एक मिनट रुको, इधर बैठे इसको बैठे बात तो अब उसके पास में जैसे अपन ने H2SO4 बनाया, तो देखो ना इसके पास अपन ने कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बने, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बनाया अपन ने H2SO4. तो जब अपन ने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया ना, तो ऑब्वियस सी बात है किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आना चाहिए. ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंडीशन में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आना चाहिए. तो
अपन क्या लिखेंगे, इसमें प्लस 8 आ रहा है, तो फिर आंसर क्या बताओ? तो अपन कहेंगे देखो, अगर ये मॉलिक्यूल दोगे और आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए बोलोगे, तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है, तो आंसर मैं यही बता सकता हूं कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, अगर मुझे ऑप्शन में गिवन है ना ऐसे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मुझे ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, और मुझे ऐसे गिवन है कि भाई ए दैट इज प्लस 8, बी मुझे प्लस 7 गिवन है, सी मुझे राइट ना प्लस 6 गिवन है, और प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ऐसे ही लिख देते हैं, पर ये 6 गिवन है और डी अपन को गिवन है ऐसे, दैट इज प्लस ये 5 गिवन है। आंसर मैं यही बताऊंगा, क्योंकि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो कैलकुलेशन में तो ऐसे है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये जो है ना, इसका नाम होता है पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये इसका नाम, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं कॉमन नेम कैरोज एसिड, ये कैरोज एसिड भी होता है, ठीक है कैरोज एसिड भी। एसिड को मैं ऐसे लिखता हूं, ये तुम्हें तो पहले से ही बता रखा है मैंने, एसिड को यूज्ड राइट लिख देते हैं, उसको एसिड लिखते हैं। व्हाट विल से दैट अपन लिखेंगे भाई ये तो कैरोज एसिड या पर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, तो अपन क्या करेंगे भाई किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट ना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, बिल्कुल हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए वैलेंस। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसमें ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 का स्ट्रक्चर है जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा ना H2SO5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, दैट इज HOS डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो और O O और H, क्योंकि एक ऑक्सीजन हमें एक्स्ट्रा कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना उसी में एक सल्फर के साथ, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब अगर अपन यहां पर चेक करेंगे ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके भी 6 थे, देखो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 है, मैंने 6 बॉन्ड बनाए उससे अराउंड राइट। अपन क्या कहेंगे जैसे ये गिवन था अपन का, तो ये -2 था, इधर +2 हो गया, इधर -2 होगा तो इधर +2 होगा, इधर -1 होगा तो इधर +1 होगा, इधर -1 होगा तो इधर +1 होगा। मैंने सारे बॉन्ड्स के उसके चार्जेस लिखे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्ट्रक्चर अगर मैं गिवन है तो कैसे अपन लिखते हैं उसका राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं अपन बॉन्ड्स में, वो अपन को पता है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ, दोनों को ही बड़ा बना देता हूँ, ताकि बड़ा बनेगा तो अपन को दिखेगा ना कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा भाई H2SO4 लिखा, तो H2SO4 में आपने ऐसे बनाया था, ठीक है, तो अपन सल्फर के अराउंड उसके ना ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, तो ये -1 है ये +1 है, ये -2 है ये +2 है, ये -2 है ये +2 है, और ये -1 है और ये +1 है, देखो सल्फर के अराउंड टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया, तो फिर कहेंगे सल्फर के अराउंड टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 आया। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, मुझे ये ऐसे गिवन है, ये मुझे ऐसे गिवन, ये ऐसे गिवन था मुझे। मैं क्या करूंगा इस वाले स्ट्रक्चर में -1 +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से -2 +2, डबल बॉन्ड में हमें +2 चार्ज लिखा, तो क्या अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 +3 लिखोगे, जैसे डबल बॉन्ड के लिए अपन 2 कर रहे हैं, वो एग्जांपल दूंगा मैं अभी, रुको, ये -2 +2, इधर के लिए -1 +1, देखो भाई सल्फर के अराउंड कितना चार्ज आया +6, तो फिर हमारे लिए ये 8 कैसे आ रहा है, चलो देखते हैं पूरा मॉलिक्यूल्स में लिखते हैं और देखते हैं किस एटम का मैंने क्या कंसिडर किया और क्या लिया था। इस बॉन्ड की वजह से ये सल्फर के अराउंड तो +6 आ रहा है, वो देख लिया अपन ने, इसलिए आंसर आपने 6 टिक किया, इसलिए आप बता रहे हो कि भाई
कभी भी किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आ रहा होगा कैलकुलेशन में तो फिर अपन उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही बताएंगे उसका आंसर, वो पॉसिबल ही नहीं है उससे ज्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। तो अपन क्या करेंगे इस बॉन्ड की वजह से, इस पे प्लस वन, इस पे माइनस वन। अब अपन उधर चलते हैं, इस बॉन्ड की वजह से इस पे प्लस वन, इस पे माइनस वन, और इस बॉन्ड की वजह से इस पे जीरो और इस पे जीरो। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन पे प्लस वन, वो तो लिया था मैंने प्लस वन इंटू टू, सल्फर के लिए एक्स वो लिखना था कैलकुलेट करना है, और ऑक्सीजन के लिए माइनस टू इंटू फाइव। तो अपन ने क्या गलत किया यहां पर, क्या गड़बड़ हो रहा था, ये वाला ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज है, ये वाले ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज है, ये वाले ऑक्सीजन पे भी माइनस टू चार्ज है, लेकिन ये दोनों ही ऑक्सीजन एटम पे माइनस वन चार्ज है, और हम क्या ले रहे थे सभी ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई माइनस वन लेना है या माइनस टू लेना है, हमें पता नहीं चलेगा, हम तो माइनस टू ही लेंगे। वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो अपन को पता चलेगा भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने होते ही नहीं सल्फर में, इसका मतलब है इसमें कुछ तो ऑक्सीजन ऐसा है जिसका माइनस वन चार्ज है, और जब ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज होता है तो अपन उसे कहते हैं परऑक्साइड। क्या बोलेंगे अपन उसे, परऑक्साइड बोलते। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये परऑक्साइड बॉन्ड हो गया, माइनस वन चार्ज है वहां पर, हाँ तो इसलिए तो आप लिख रहे हो उसमें पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर लिखने का रीजन यही है, वरना सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखते ना, स्ट्रेस ऑफ फोर इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, और पर वर्ड यूज करने का रीजन ही वही है। राइट, तो कभी भी किसी भी मेटल का ना, किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने मान लो मेरे पास ऐसे H2S2O8, इसको अपन कहते हैं पर, अब इसमें दो डाई सल्फेट हो जाए, इसमें दो सल्फर आ गया ना, तो इसका नाम होता है पर डाई सल्फर क्या से, जिसे मोनो था क्योंकि एक ही सल्फर था, अब दो सल्फर आ गए तो पर डाई सल्फर क्या से, और पैराडाइज सल्फ्यूरिक एसिड को उसको भी कॉमन नेम होता है इसका मार्शल्स एसिड बोलते हैं, पैराडाइज सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, प्लस वन इंटू टू करूंगा मैं, और फिर टू एक्स लूंगा मैं, फिर माइनस टू इंटू एट लूंगा मैं, तो इक्वल टू जीरो, इधर टू प्लस टू एक्स इज माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस सेवन। अपन को पता है ये प्लस सेवन नहीं है, लिखना तो मुझे प्लस सिक्स ही है, लेकिन वो प्लस सेवन कैलकुलेशन से आ रहा है, आंसर तो मैं प्लस सिक्स ही लिखूंगा। तो फिर प्लस सेवन से मुझे क्या पता चलेगा, इसको कैलकुलेट क्यों करूं फिर, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, इसमें कुछ ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, और जबकि अपन क्या कर रहे हैं सभी ऑक्सीजन का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी ऑक्सीजन का माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं, जबकि अपन को पता है कि कुछ ऑक्सीजन इसमें ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होगा, तभी तो अपन उसे पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बोल रहे हैं, पर एसिड बोल रहे हैं। पर एसिड वही होता है ना जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखते हैं, पर उसमें ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। तो पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड के ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो तो अपन चेक कर लेंगे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर कोई अपन तो स्ट्रक्चर बना के देता है कि अच्छा बताओ ये पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब अपन को साफ साफ दिख तो रहा है यहाँ पर कि आपने क्या किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाया ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से क्या होगा, जीरो दोनों पे, इस बॉन्ड की वजह से इस पे प्लस वन होगा, इस पे माइनस वन, और इस बॉन्ड की वजह से इस पे माइनस वन और इस पे प्लस वन। ये दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे माइनस वन चार्ज आ रहा है, माइनस टू नहीं है, जबकि ऑक्सीजन को अपन क्या लेते हैं माइनस टू चार्ज। तो वहां पर दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे माइनस वन चार्ज आ रहा है, अपन बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बस ये बता दिया कि भाई वहां दिख तो रहा है अपन को कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड है,
अपन बता सकते हैं। बाकी इसमें माइनस टू होगा, इसमें प्लस टू होगा, इसमें माइनस टू होगा, इसमें प्लस टू होगा, इसमें माइनस वन होगा, इसमें प्लस वन होगा। सल्फर के अराउंड कैलकुलेट करके देखो, प्लस सिक्स चार्ज आ रहा होगा। सल्फर के अराउंड कैलकुलेट करके देखेंगे तो प्लस सिक्स चार्ज आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर था ऐसे। स्ट्रक्चर अगर गिवन है तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तो सिर्फ ऐसे ही बता सकता हूं कि भाई प्लस सेवन आ रहा है लेकिन प्लस सिक्स होगा। क्यों? किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर मान लो मैंने CrO5 लिखा तो अपन कहेंगे CrO5 ये x हो गया प्लस माइनस टू इंटू फाइव लिखा इक्वल टू जीरो, x माइनस टेन इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू प्लस टेन। भाई किसी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट एट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन एट से ज्यादा थोड़ी लिखेंगे, उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये तो टेन आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्लस सेवन में तो अपन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो भी सकते हैं, और प्लस एट वो सिर्फ ऑस्मियम के लिए होता है। ऑस्मियम जो होता है उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट होता है। ऑस्मियम के लिए दिस इज कॉल्ड ऑस्मियम। तो ऑस्मियम ऑक्साइड में ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट होता है। ऑस्मियम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं जिसके लिए अपन प्लस एट लिखेंगे। इसका मतलब है एट भी नहीं आएगा कभी इसके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के लिए, एट से कम ही रहेंगे। इट इज ऑनली ऑस्मियम जिसके लिए प्लस एट होता है, राइट? तो अपन कहेंगे भाई ये तो प्लस एट ऑस्मियम में ही हो सकता है और ये तो प्लस टेन आ रहा है, बिल्कुल गलत है। तो अपन क्या करेंगे, कितना होना चाहिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो अपन कहेंगे क्रोमियम है, आपने बताया तो इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और 24 होता है तो 2 8 8 और 6 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेटस कितना होगा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख दिया अपन ने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगा। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो जाएगा, ठीक है? और ऑक्सीडेशन स्टेट फिर ये प्लस 10 कैसे आ रहा था, तो अगेन उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अगर आप स्ट्रक्चर बना के दे दो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कितने ऑक्सीजन है जिसपे माइनस वन चार्ज है, उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इससे मैं 6 बॉन्ड बना सकता हूं, बस इस टाइप से बॉन्ड बन जाएगा। भैया देख लो, इस बॉन्ड की वजह से इस पे माइनस वन, इस पे प्लस वन, इस बॉन्ड की वजह से इस पे माइनस वन, इस पे प्लस वन, इस बॉन्ड की वजह से माइनस वन प्लस वन, इस बॉन्ड की वजह से माइनस टू प्लस टू। मैंने क्रोमियम के अराउंड जितने भी बॉन्ड्स थे ना, सभी बॉन्ड की वजह से ये माइनस टू प्लस टू हो गया, ये माइनस टू ये प्लस टू, इस बॉन्ड की वजह से इसमें माइनस वन, इसमें प्लस वन। अब अगर आप चेक करोगे ना तो इसके अराउंड सिर्फ 6 चार्ज आ रहा है, इस बॉन्ड की वजह से इस पे 0, इस पे 0, इस बॉन्ड की वजह से इस पे 0, इस पे 0। मैंने जितने भी बॉन्ड उसमें थे ना, सभी बॉन्ड की वजह से जो भी चार्जेस हो सकते हैं वो लिखे। और मैंने चेक किया तो मुझे क्रोमियम में ना, क्रोमियम के अराउंड सिर्फ प्लस 6 चार्ज मिल रहा था। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6। ये इसको ऐसे ही बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में, ऐसे इधर ये उसके विंग्स हो गए और ये उसका हेड हो गया, ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसे बन जाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके, सो देयरफॉर ये अपने कैलकुलेशन में आ रहा है, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पर प्लस 6 ही बताएंगे अगर ऑप्शंस में पूछा है तो। किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? अब इसमें बहुत ज्यादा अभी अपन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अपन इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, रीजन क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो अपन को बाद में, अपन जब स्ट्रक्चर सीखेंगे तो अपन को पता चलेगा बॉन्डिंग। तब ये अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके हिसाब से कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, लेकिन उसमें ये सेंट्रल एटम वाला कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, वहां पर पड़ेगा।
अभी अपन सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़े अपन ने कि भाई एक बात हमें पता रहेगा कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मैं कभी नहीं बताऊंगा, ये अपन को ठीक है ना, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बताएंगे इन एनी कंडीशन। पॉसिबल ही नहीं है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट विल राइट दैट, ये तो पॉइंट नंबर थ्री था अपना, अब पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं। तो चलो भाई पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फोर कहेंगे अपन, इफ द सेंट्रल एटम इज, द सेंट्रल एटम इज इन इट्स हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यार इलेक्ट्रॉन देन इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब मैं ये बता सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यह कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप बस मुझे मॉलिक्यूल लिख के बता दो, मैं अभी बता देता हूं कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट right? तो अपन ये बता सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा। तो चलो देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं लिखूंगा, सपोज मेरे पास गिवन है दैट इज HNO3, तो अपन क्या करेंगे, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट, नाइट्रोजन का प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन 7 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 5 हो गया। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव पॉसिबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्लस में होना चाहिए, इसका मैक्सिमम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो फिर कहेंगे नाइट्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो 2-4 बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन दे दो तो 2-3 बचेगा, तीन इलेक्ट्रॉन दे दो तो 2-2 बचेगा, चार इलेक्ट्रॉन दे दो तो 2-1 बचेगा, और अगर मान लो इससे 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये 2 और 0 हो गया। अब कभी भी कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बस उसके अंदर वाले से इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बनता, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है, क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल से ही हो सकती है, इनर शेल से कभी कोई बॉन्डिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन लेना देना सब वैलेंस शेल में ही होता है, उसके अंदर वाले शेल में नहीं होता। तो अगर ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दे तो प्लस 5 आ गया, अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अब दे सकता है क्या, देने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नहीं, क्या कर सकता है, अब ये शेल तो था ना जहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या कर सकता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेना इज अ रिडक्शन प्रोसेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन प्रोसेस, और जो प्रोसेस होता है वो एजेंट शो करता है, तो अगर ये रिडक्शन प्रोसेस शो करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा। तो अपन को मॉलिक्यूल को देख के अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अपन क्या लिखेंगे, अपन सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आया तो बता देंगे कि भाई ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपन क्या करते हैं, ठीक है भाई सपोज मेरे पास ऐसे के बने, ये तो प्लस 8 आ रहा था, हाँ तो प्लस 8 आ रहा तो ये तो और भी अच्छी बात है,
इसकी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और भी ज्यादा है, हमें तो सिर्फ प्लस सिक्स चाहिए था। वैसे भी अपन को पता है कि मैं प्लस एट तो बताऊंगा ही नहीं, अगर कोई बोलेगा कि बताओ इसमें सल्फर प्लस एट है, नो नो प्लस सिक्स, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा थोड़ी हो सकता है, तो अपन कहेंगे ये तो ऑक्सीडेशन एजेंट है। तो अगर बताऊंगा, प्रेडिक्ट करना है तो मैं प्लस सिक्स बताऊंगा, कैलकुलेशन में प्लस एट लिखो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पूछोगे बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कितना होगा, प्लस सिक्स बताऊंगा। Then I will write KMnO4 plus 7 K2Cr2O7 plus 6. Then we can write that KClO4 plus 7. Then I can write that oxidizing agents. So we can write that फिर KiO4, KBrO4, इस टाइप से अपन को ज्यादा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओजोन, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो डाउट ओजोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन में तो ऑक्सीजन है। वी कैन राइट H2SO4 भी लिख सकते हैं अपन। इस टाइप से मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख सकता हूं, मैं इसको हटा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे देखो, वैसे एक और बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का, उनमें ऑक्सीजन जरूर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीजन नहीं होगा, देखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन जरूर होता है, इन सब में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, अपन को याद होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब ये अपना ऑक्सीजन लूज करेंगे तो कौन सा प्रोसेस शुरू करेंगे, रिडक्शन, इनका रिडक्शन होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही हुआ कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे, तभी तो मैंने लिखा कि भाई ये प्लस फाइव है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता है। अब अगर अपन मेटल्स की बात करें तो देखो जैसे Fe प्लस 3 है, Cr प्लस 3 है, Pt प्लस 4 है, राइट? तो अगर अपन मेटल्स की बात करें तो वो मेटल्स जिनके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। वो मेटल जिनके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं तो उनके जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना मेटल तो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना, आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+2 एंड Fe+3। भाई इसमें होगा तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इधर कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें होगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो लॉस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन, उनको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें जा सकता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके उसमें जा सकता है तो प्रोड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब कोई भी मेटल जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट सेंटेंस में लिख देंगे पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो मेटल्स को भी अपन बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। चलो दूसरा मतलब पॉइंट लिखते हैं अपन, पॉइंट नंबर 5, दैट इज इफ द सेंट्रल एटम is in its lowest possible negative oxidation state, इधर आपने पॉजिटिव लिखा था, अब मैं नेगेटिव लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट
द ऑक्टेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, देन इट एक्ट एज इट इज रिड्यूसिंग एजेंट. भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई देख लेते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल उसमें गिवन है हमको, उसमें सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे मान लो अपन एग्जांपल लिख लेते हैं, इधर भी एग्जांपल लिख लो आप, क्या प्रॉब्लम होगा अपन को, लो भाई अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो नाइट्रोजन का, अभी कर देते हैं, ये लो आपको बताया तो था आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये नाइट्रोजन x हो गया, हाइड्रोजन ज्यादा ट्रस्टेबल था प्लस 1 इनटू 3 कर देता हूं इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया, मतलब नाइट्रोजन इसमें माइनस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 एटॉमिक नंबर है, सो 2 और 5 होता है, तो अगर नाइट्रोजन माइनस 3 लिखूंगा तो इट विल बी 2 एंड 8. अब अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए वो इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले सकते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें, हाउ कैन इट लूज द इलेक्ट्रॉन, विद द लूज कर हाउ कैन इट गेन द इलेक्ट्रॉन, कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो दे तो सकता है ले नहीं सकता इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो वो हमेशा कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे. लो भाई तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है अपने पास, सल्फर है माइनस 2 हो गया, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस 2 हो गया तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन आयोडाइड -1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बस, पीएच 3 फास्फोरस नाइट्रोजन के सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि ये -3 हो जाएगा. तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना मुझे जरूरी है क्या, बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी. तो ऐसे कंपाउंड्स अपन बता सकते हैं कि भाई दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट. तो मैं इसको हटा देता हूं भाई, ये -3 था तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया आपको. और उसके बाद अपन लिखेंगे, अगर अपन मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स को तो मैं कहूंगा कि जैसे Fe+2 है, Cr+2 है, इसी में से लिख देता हूं मैं, तो Pt+2 है, उनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr+1 है, Pb+2 है और Sn+2. ये लो भाई मेटल्स में तो अपन ने लिखा ना कि मेटल्स में क्या होता है, Fe+2 है और Fe+3 है, ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और इधर से इधर आएगा तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आयरन अगर +2 में होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और +3 में होगा तो इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ गेन कर सकता है. भाई +3 से आयरन +4 में थोड़ी जा सकता है, +4 आयरन का होता ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो +2 होता है या फिर +3 होता है. तो अपन उस टाइप से बता सकते हैं, और ये पार्ट जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सारा पार्ट ऐसे अपन को गिवन नहीं होगा शीट में, बट इससे अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए इट रिक्वायर्ड है काफी सारा पार्ट अपन को, मतलब ऐसे पता चल गया, ठीक है, वी आर एबल टू टेल. अब देखो इनमें से किसी में भी ना मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा, जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो हाउ कैन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन जरूर होता है, देखो ये भी अपन को एक पहचानने का तरीका है,
ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अब उनका क्या जिसमें ना तो हाईएस्ट पॉसिबल, ये हाईएस्ट पॉसिबल लिखना था मुझे, ना तो उसमें हाईएस्ट पॉसिबल है और ना ही उसमें लोएस्ट पॉसिबल है, ना तो हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव है और ना ही लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव है, तो उनको क्या बोले? तो अपन कहेंगे वो दोनों जैसे बिहेव कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग भी बिहेव कर सकते हैं, रिड्यूसिंग भी बिहेव कर सकते हैं। तो फिर कैसे बिहेव करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा उस केस में? तो चलो देखते हैं उस केस में क्या करना है। अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। इफ द सेंट्रल एटम इज, पॉइंट नंबर सिक्स हो जाएगा, इफ द सेंट्रल एटम इज neither in highest possible positive, है ना, highest possible positive, nor in its lowest possible negative, then it can act as oxidizing as well as reducing. कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग जैसे भी बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी बिहेव करेगा, ठीक है। Then it can act as both. It will act as oxidizing as well as it will act as a reducing. तब वो दोनों जैसे काम करेगा। चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास एक example है। अपन एक example। ठीक है? और इस example में अपन ने देखा SO2। ठीक है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, SO2 जो है ना, वो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है इसमें। अभी ये क्या कर सकता है, सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल तो प्लस सिक्स है और सल्फर का लोएस्ट नेगेटिव तो माइनस टू है, मतलब ये मैक्सिमम और दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो प्लस फोर हो जाएगा और प्लस फोर से सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कैसे भाई, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस टू हो जाएगा, फोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जीरो, फाइव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फोर से जीरो आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और एड किया फाइव से तो माइनस वन हो जाएगा और सिक्स इलेक्ट्रॉन से माइनस टू। यहां पर यह टू एट सिक्स था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये हटा दिया, यहां पर आपने क्या किया 286 था, इसमें प्लस 2 कर दिया आपने, माइनस 2 ऑक्सीडेशन। अगर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो हाईएस्ट पॉसिबल है और ना ही लोएस्ट नेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, दोनों शो कर सकता है, तो वो दोनों जैसे बिहेव करेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, SO2 हो गया, NO2 हो गया, राइट, NO हो गया, we can write like this so many, we'll write that HClO2 ho gaya, HClO3 ho gaya, we'll write that KiO3 ho gaya, like that. So what we can write is, fir we can write that N2H4 ho gaya, fir aur bhi apan matlab bahut sare likh sakte hain, there is limitless, H2O2 ho gaya, like that. Isme sulfur plus 4, इसमें नाइट्रोजन प्लस फोर, इसमें नाइट्रोजन प्लस टू,
इसमें ये प्लस थ्री है, इसमें ये प्लस फाइव है, इसमें ये प्लस फाइव है, इसमें ये माइनस टू है, इसमें ये माइनस वन है। अब H2O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका क्या, तो अपन कहेंगे माइनस वन है ना, और माइनस वन है तो अपन को पता है ऑक्सीजन कैन बी माइनस टू एंड ऑक्सीजन कैन बी जीरो एलिमेंटल फॉर्म। और अगर ऐसे है तो अपन को पता है वो प्लस वन भी हो सकता है और प्लस टू भी हो सकता है। फ्लोरीन तो मोस्ट स्टेबल है, तो ऑक्सीजन को अपन बहुत ज्यादा वैसे नहीं करते हैं, बट ऐसे ही रखते हैं जीरो एलिमेंटल फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, गेन वन इलेक्ट्रॉन माइनस टू, और इसमें लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन जीरो। तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे कैसे पता चलेगा, अगेन द सेम थिंग, मैं कैसे बताऊंगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग एजेंट है? भाई ऑक्सीडाइज, प्योर ऑक्सीडाइजिंग में मुझे पता है हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव, रिड्यूसिंग में मुझे पता है लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव, जितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आई एम एबल टू टेल। बट व्हाट अबाउट दिस, तो अपन कहेंगे उस केस में हमें रिएक्शन की जरूरत। कैसे? अब जैसे मैं कहूंगा इन सब में तो आपने ऑक्सीजन दिखा रखा है, मुझे इसमें नहीं दिखाया आपने, तो मैं बोल सकता था ऑक्सीजन से, आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि भाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव कर सकता है। अब कर सकता है और करना, इट इज अ डिफरेंट। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, फिर अपन को ऐसे वो जो पार्ट है वो ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो जो पार्ट है उसको अपन ऐसे सॉर्ट आउट कर देंगे। अपन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो मुझे ऐसे मिलेगा। वो क्या करेंगे, अपन से कहेंगे मेरे पास SO2 है, मैं इसको रिएक्ट करता हूं K+1 के साथ, ठीक है, मीडियम ले लेता हूं एसिडिक, एसिडिक मीडियम। और जब भी क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम गिवन होता है ना, वर्ड में लिखा हो, वो H2SO4 ही होता है। तो ये रिएक्ट करके बनाएगा MnSO4 प्लस SO3 बनाएगा ऐसे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये प्योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन से ज्यादा नहीं हो सकता एक्सेप्ट ऑस्मियम। मतलब ये एक प्योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसे कैसे बिहेव करना पड़ेगा, सो इट बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट। हम सबको पता है कि SO2 गैस कैन डीकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन। SO2 गैस, ये पर्पल कलर होता है, ये पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है, इसमें जब हम SO2 गैस ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, व्हाइट पीपीटी बन जाता है, दैट इज डीकलराइजेशन। तो तुमने पढ़ा हुआ है, इवन ये भी पढ़ा हुआ है, मतलब छोटा क्लासेस में, 10th क्लास में होता है कि प्रैक्टिकल्स में भी होता है कि SO2 में अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो भी अपन कहते हैं कि जब ये ना जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट होता है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, वो मतलब प्रैक्टिकल्स में भी करवाते हैं, तो ये प्लस सिक्स है, मतलब इट इज अ प्योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस इज अ प्योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। तो ये ना ऑरेंज कलर होता है, और जब हम इसको इसमें, ये कलरलेस गैस होता है, इसको इसमें पास करते हैं तो ये क्रोमियम सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन बना देता है, ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है। ये पता है मैं कलर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 10th क्लास में अपन को बुक्स में गिवन होता है, अपन को पढ़ाया जाता है,
इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, अच्छा ये तो हमें पता था कि भाई K2Cr2O7 डीकलराइज KNO4, डीकलराइज व्हाट, दैट इज डीकलराइज मतलब एक ऑरेंज कलर से दूसरा कलर बन जाना, दैट इज डीकलराइज। और अगर अपन कहेंगे जैसे सी पार्ट लिखते हैं, है? मेरे पास सी पार्ट के बनाए एसओ टू को अगर मैं के आई के साथ रिएक्ट करूंगा, पोटेशियम आयोडाइड, एसओ टू को अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करूंगा इन अगेन वी कैन राइट दैट एसिडिक मीडियम, तो अपन कहेंगे आयोडीन लिबरेट होता है और ये एसओ सल्फर ऐसे बना देता है। अब क्या हुआ, तो अपन कहेंगे देखो भाई यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है दिस इज अ प्योर रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है प्योर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो ऑब्वियसली बात है अगर रिएक्शन होगा तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करना होगा, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें भी ऑक्सीजन था, मुझे चाहिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, तो प्योर ये था, इसमें ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे भी अपन को पता था कि भाई यहां पर दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने आपको लिखवाया भी है रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देन इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO2 को KI सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वायलेट गैस लिबरेट होगा और थोड़ा सा डर्टी व्हाइट पीपीटी आप बोल सकते हैं उसे, वो सल्फर का डिपोजिशन, दैट इज हाउ द रिएक्शन इज। तो ये एक्चुअली वो रिएक्शन है जो अपन ने क्लास में 10th क्लास में भी पढ़ाते हैं, तो अपन को थोड़ा आइडिया होता है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है जब भी ये गिवन होंगे तो मुझे ये चेक करना होगा कि इन दोनों में से प्योर कौन सा, प्योर ऑक्सीडाइजिंग है तो ये रिड्यूसिंग जैसे बिहेव करेगा, अगर प्योर रिड्यूसिंग है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, दैट इज हाउ वी कैन से। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू टेल कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वैसे अपन ऐसे भी बता सकते हैं सेंट्रल एटम प्लस 4 था, सेंट्रल एटम प्लस 6 हो गया, भाई प्लस 4 से प्लस 6 क्यों, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो एजेंट कौन सा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो एजेंट कौन सा होता है, उल्टा होता है, पढ़ा हुआ है अपन, इट इज अ रिड्यूसिंग। KNO4 आपने कहा प्लस 7 है लेकिन यहां तो प्लस 2 हो गया क्योंकि सल्फेट माइनस 2 होता है, तो Mn प्लस 2 होगा, तो इधर ये प्लस 7 था उधर क्या हो गया प्लस 2, मतलब इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे इसने, भाई इसको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्लस 7 है तो नेगेटिव चार्ज ऐड करो तो प्लस कम होता जाएगा चार्ज, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे, अभी कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया व्हाइट एड्स वो बात अलग है, हमें तो ये पता है कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कम किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए इसने गेन किए हैं, तो इट विल बी अ, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया एक ने गेन किया, इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसका रिडक्शन प्रोसेस, गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो वैसे भी अपन बता सकते हैं कि भाई जैसे इसमें भी आप लिख लोगे SO3, तो बाकी मैंने लिखा नहीं, अपन को ये कलर से बता रहा था मैं कि देखो ये रिएक्शन हुआ अपन को कैसे पता चलेगा, और हमें ये जानना था कि दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग प्रोडक्ट अपन देख लेंगे बाद कैसे बनाते हैं, मैं आपको रिएक्शन में बैलेंसिंग सिखाऊंगा क्योंकि अब हम रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करें। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई कौन सा सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम का क्या इंपॉर्टेंस होगा, और अपन कैसे बताएंगे कि सेंट्रल एटम अगर हमें पता होगा तो अपन कैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेडिक्ट कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना होता है, तो इसमें अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ सकते हैं। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अपन को मतलब एक नए क्लास में ही पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो अभी अपन डाउट डिस्कस कर सकते हैं because उतना टाइम नहीं है कि अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन शुरू कर लें, है ना,
क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम होगा। तो अगर आपके डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स बता देते बता डिस्कस करना है, अगर आपने सॉल्व किया है तो मैं डाउट्स डिस्कस करने के लिए रेडी। तो अपने डाउट्स बता दो तुम। अगर आपका कोई डाउट्स है तो अपन डाउट डिस्कस करें या नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। मूल कॉन्सेप्ट पे शीट देख रहा हूँ, मूल कॉन्सेप्ट को आगे देख रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 ना, पार्ट 2 का E6। अच्छा पहले पार्ट 1 को भी कर लेते हैं अपन, पार्ट 2 को भी कर लेते हैं। तो पार्ट 2 ही बता दूं पहले, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पहले एक्सरसाइज 1 कर लें, पार्ट 1 कर लें, पहले पार्ट 1 कर देते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का E6 E2 E6 E7 कर देता हूं, सिर्फ एक सेक्शन में तब तो कर देते हैं फटाफट। अच्छा इसमें तुम लोग ना ये भी पार्ट 3 जो है ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, उसको पूरा सॉल्व कर लेना। और आज का होमवर्क हो जाएगा आपके पास सेक्शन एफ आपका होमवर्क हो जाएगा आज। पहले मैं E2 बता देता हूं, फिर मैं दूसरा बताता हूं। E2 E6 बताने हैं मुझे और E7। तो पहले मैं E2 बताता हूं। What weights of P4 O6 and P4 O10 will form when the combustion of this and this is there leaving no residue? हाँ ये क्वेश्चन किया था इस टाइप से, अपन ने सल्फर से भी किया था, मरकरी से भी किया था। वो कह रहा है कि अगर अपन P4 को क्या थे अपने पास P4 ना, P4 का 31 ग्राम ले लें और ऑक्सीजन का 32 ग्राम ले लें, तो अपन को दो मॉलिक्यूल बनाने हैं। एक मॉलिक्यूल क्या बनाना है अपन को, P4O6, और एक मॉलिक्यूल अपन को बनाना है P4O10। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन किया तो था अपन ने, इसका 31 ग्राम ले लेते हैं, इसका 32 ग्राम ले लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको x ग्राम ले लेते हैं, इसको 31-x ले लेते हैं, ये था ना अपन ने। और इसके मास से इसका टोटल मास ये होना चाहिए ना, तो पहले इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके मास से इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, एक फास्फोरस 31 ग्राम होता है वैसे, तो तीन फास्फोरस, चार फास्फोरस कितना हो जाएगा 124, इसका भी मोल्स हो जाएगा 124, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 124, जैसे अपन ने किया था ना सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया था, फिर मरकरी और आयोडीन से मर्क्यूरस आयोडाइड और मर्क्यूरिक आयोडाइड बनाया था, बिल्कुल वैसे ही। ये कह रहा कि इसका 31 ग्राम, इसको 32 ग्राम ले लो टोटल, कोई रेसिड्यू लीव नहीं होना चाहिए, और ये दोनों बनाना है, बताओ कितना बनेगा उनका मास, व्हाट वेट। हां तो ठीक है, जितने मोल्स इसके होंगे, इसके मोल्स अपन को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 3 मोल्स बैलेंस करना हो पहले, जितने मोल्स इसके हैं इसके मोल्स हो जाएंगे 3 टाइम्स, तो 3 × x / 124, तो इसका मास कितना हो जाएगा, ये इसके मोल्स होंगे, जितने मोल्स कैलकुलेट करना अपन को आता है, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय 1 और इसके इज इक्वल टू इसके मोल्स डिवाइड बाय 3, तो मैंने इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। जब इसके मोल्स होंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो तो वेट इन ग्राम आ जाएगा, कितना वेट इन ग्राम आया अपने पास, ये इसका वेट इन ग्राम आ गया, ये मोल्स थे इसके।
ऐसे ही अपन इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 × 31 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 120, ये इसके मोल्स हो गए। तो फिर मास कितना होगा, 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका ग्राम्स हो गया। अब दोनों मास का वेट टोटल कितना होना चाहिए, 32। भाई लीविंग नो रेसिड्यू ना, अपन ने इसको पूरा रिएक्ट करवा दिया, इसको भी पूरा रिएक्ट करवा दिया, तो इसके पूरा रिएक्ट करेगा तो कितना मोल्स रिएक्ट करेंगे, मास कितना हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके मोल्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 32, इसका मास आ गया। और दोनों मास का टोटल कितना होना चाहिए, 32 के बराबर। तो हो गया क्वेश्चन, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस, दोनों वेट को ऐड करो, 32 से इक्वेट कर दो, तो अपने पास आया 3x डिवाइडेड बाय 124 इनटू 32 प्लस ये आ जाएगा 5 इनटू 31 माइनस x डिवाइडेड बाय 124 इनटू 32 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, 32। 32 को कर दो कैंसिल, 3x प्लस 5 इनटू 31 माइनस x इज इक्वल टू आ गया 124। x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आपको इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेना, इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेना, और इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएंगे, क्योंकि एक बार x आ गया अपने पास तो फिर कैलकुलेट कर लेंगे अपन, क्योंकि इसके मोल्स कितने हैं, जितने मोल्स इसके हैं उतने मोल्स इसके होंगे, जितने मोल्स इसके हैं उतने मोल्स इसके होंगे, तो इनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे उनके मोल्स को, विल गेट द मास। कोई डाउट है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दो, समझ में है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो किया था अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप कैलकुलेट कर लेना, अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे नेक्स्ट आंसर बता देना, मैं नेक्स्ट आंसर बता दूंगा, तो मैं आपको ना ऐसे हिंट दे दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने किए हुए हैं, तो हिंट देंगे तो भी चलेगा, नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा आप बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर E6 पूछा है फिर अपन से, तो E6 चेक कर लेते हैं भाई क्या है। E6 में अपन को गिवन है, E6 इसलिए पूछा है बिकॉज इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटरमिनेशन, हमें क्या पड़ता है, वो ग्रेविमेट्रिक का मतलब वेट वेट मास मास रिलेशनशिप, ग्रेविमेट्रिक डिटरमिनेशन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फास्फेट, मतलब मेरे पास इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फास्फेट, क्या करें इसका, is treated with a mixture of ammonium and magnesium ions, ठीक है, इसको ammonium ion और magnesium ion से react करवा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, करवा दो, we get a precipitate of magnesium ammonium phosphate, मुझे लगता है इसका structure आपको नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप ऐसे बता रहे थे, इस पर plus 2 charge, इस पर plus 1 charge, और ये phosphate पे minus 3 charge होता है, that is all, अच्छा ये तो अपन को given है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट 6H2, इसका तो फॉर्मूला भी गिवन था, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो चलो देखते हैं क्या करना है। फिर ये कह रहा है दिस इज हीटेड सो दैट इट विल डिकम्पोज, मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, मैं इसको हीट करूंगा तो ये डिकम्पोज होगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो है इसको मैं हीट करूंगा डॉट 6H2O, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू Mg2P2O7, मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। विच इज वेट, मैंने इसका वेट कैलकुलेट किया, और अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब इस रिएक्शन में जो इसका वेट आया है वो आया है 1.054 ग्राम्स, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम बाइफॉस्फेट, ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहां पर इसका वेट बताओ आप, ठीक है, और वो कह रहा है कि जब आप इसका वेट बताओगे तो इसका सोल्यूशन दिया था ना आपने, तो ये कंपाउंड था जिसका सोल्यूशन था, कौन सा कंपाउंड था, NaH2PO4, मैंने इसको वाटर में डाला था, तो अपन कहेंगे जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स इसके होंगे, क्योंकि इसका वेट पूछा है उसने, उसका वेट बता देंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें जितना फॉस्फोरस होगा ना उतना ही फॉस्फोरस इसमें भी रहा होगा, तो मैं इसको देख के रिएक्शन बैलेंस में भी करूं तो ये बता सकता हूं कि इसका मोलर कोफिशिएंट 2 रहा होगा, व्हाई इट इज सो, ये दो फास्फोरस P2 में बन गए होंगे ना, ये तो अपन POAC कैलकुलेट करें, या अपन ये बोल दें कि भाई यहां पर दो फास्फोरस थे तो P2 बन गया, तो जितना फास्फोरस इसमें है
उसका डबल फॉस्फोरस इधर होना चाहिए। अगर अपने पास एक ऐसे सीएल और मैं चाहता हूं वो सीएल टू बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा ना उसको ऐसे कि यहां पर दो मोल रहा होगा सीएल, तभी तो वो सीएल टू बन रहा है। एक एटम से थोड़ी सीएल टू बन सकता है। या तो आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा मेरे लिए कि आप कहो अच्छा सीएल सीएल टू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको वन बाय टू कर दो बैलेंस करने के लिए, भाई जितने इधर होंगे एटम उतने राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए। समझ में आया? तो मैंने पहले फॉस्फोरस को बैलेंस किया, मैंने इसके ना मोल्स कैलकुलेट किए पहले मोल्स Mg2P2O7 कितना आया 1.054 डिवाइडेड बाय 222, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे क्या है, तो मैंने डिवाइड कर लिया उसको। आप क्या करें, जितने मोल्स इसके होंगे इसके मोल्स डबल हो जाएंगे। मोल्स कैलकुलेट करना आता है अपन को, एक ही रिएक्शन में किसी के भी मोल्स को कोरिलेट करना आता है अपन को। तो करने ठीक है भाई, आप मोल्स लिख दो, तो मोल्स ऑफ MgNH4 PO4.6H2O is equal to 1.04 divided by 222. अभी जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके होंगे। इसी को तो हीट किया था आपने, तो जितने वो रिएक्शन जैसे चेंज होता है ना, तो मन को पता है ना मोल्स कैसे कैलकुलेट करता है, मोल्स कंजर्व होता है। तो इसके मोल्स आ गए, अभी जितने मोल्स इसके होंगे क्योंकि फास्फोरस इसमें भी बने उतने ही मोल्स इसके होने चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HPO क्योंकि एक फास्फोरस इसमें है और एक फास्फोरस इसमें है। अभी जितने मोल्स इसके होंगे उतना ही तो आपने अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट डिसॉल्व किया होगा पानी में, पानी में डिसॉल्व किया तो ये Na पॉजिटिव बन गया होगा और ये बन गया होगा मेरे पास ये, इसका रिएक्शन दोनों से हो गया, सोडियम का नहीं हुआ। तो क्या करें अपन, तो कहेंगे कोई बात नहीं, ये सोडियम जितने मोल्स इसके उतने ही मोल्स इसके हो गए, मोल्स ऑफ NaH2PO4 लो भाई उसके मोल्स आ गए। तो उसके मोल्स आ गए, तो अब मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन को पता है। तो वेट ऑफ मास ऑफ, यहां पर ये मॉलिक्यूलर वेट था है, हमको पता है मास ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.054 डिवाइडेड बाय 222 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaH2PO4। अब ये मल्टीप्लाई करो और ग्राम में अपना आंसर आ गया। वीडियो लैग हो रहा है क्या? तो अगर किसी के लिए हो रहा है तो वो देख ले, वो मतलब मेरा वीडियो लैग नहीं हो रहा होगा तो वो चेक कर सकता है। अब अपन चेक कर सकते हैं भाई, राइट ना, थोड़ा सा Everything is okay. चलो कोई बात, अब होगा तो बताना है। अब मैं ना E7 की बात कर लेता हूँ, ठीक है? E7 की बात करते हैं, अब फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है? E7 में गिवन था a 10 ग्राम सैंपल ऑफ, ये तो बता दिया मैंने। अब अपन E7 की बात करते हैं। E7 में अपन को गिवन है 10 ग्राम सैंपल ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन काफी किए अपन, मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl, इन दोनों का अपने पास 10 ग्राम मिक्सचर है, ठीक है? ट्रीटेड विद ट्रीटेड टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है भाई? ये कह रहा है इसको ना मैंने कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया, तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो PBT बना दिया मैंने, ये प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है? This calcium carbonate is heated to convert into, तो वो कह रहा है कि जो precipitate बना ना मैंने इसको हीट किया और कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में कन्वर्ट कर दिया और ये precipitate बन गया, ठीक है भाई? आगे क्या किया आपने,
जो सर कैल्शियम E7 ऑक्साइड अलग है। E7 अलग है? यस नहीं सर, सर मेरे इसमें सेम है। सर मैं 0.05 मोल ऑफ Li, 0.05 मोल ऑफ LiAlH4 वो वाला से पूछ रहा था मैं। अच्छा अच्छा रुको सर रुको। फिर जो तुम पूछ रहे हो ना पार्ट टू पूछ रहे हो सकता है मैं पार्ट वन बता रहा हूँ, तुम पार्ट टू पूछ रहे हो। सर आपने अभी जो करा वो भी पार्ट टू का ही था, वो भी करना था? नहीं नहीं बस बता रहा हूँ अभी पार्ट टू का ही था। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि E4, लेकिन अपन चेक कर लेते ना वो मतलब जो बोल रहा है। अच्छा यार वो तो क्वेश्चन है ही नहीं, जो बोल रहा है वो तो मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब इसके पास डिफरेंट शीट है और मैं अलग शीट से बता रहा था, वो भी पार्ट टू का ही क्वेश्चन था। तो फिर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? एक सेकेंड रुको, चलो उसको तुम बाद में भेज देना, मैं उस पर भेज देना क्लिक करके ना। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन है शायद, इसमें क्वेश्चन है लेकिन अब पता नहीं कहाँ पर है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ मिल जाएगा मेरे ख्याल से, रुक जाए रुक जाए। POAC वाला क्वेश्चन, POAC वाला क्वेश्चन नहीं, वो हटा दिया फिर इसमें नहीं गया यार। E7 तो वही क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है मेरे इसमें। ठीक है वो क्वेश्चन भेज देना, तो मैं अभी मतलब वो बता देता हूँ। एक्सरसाइज पार्ट, किसी ने जो एक्सरसाइज टू का पार्ट वन पूछा था ना, 5 एंड कुछ ऐसे पूछा था, तो फिर वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन था 10 ग्राम ऑफ सिल्वर रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म द अमाउंट। ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वर को रिएक्ट करवाना है और किसके साथ? सल्फर के साथ, तो Ag2S बनाना है, तो ये ट्वाइस ले लेते हैं। कितने ग्राम सल्फर है? इसका 10 ग्राम है और इसका 1 ग्राम है। हाँ जी भाई, इसमें दोनों का डाटा गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो तो आंसर आ जाएगा अपना। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो ये तो बड़ा सिंपल टाइप का रिएक्शन है, तो मैं तो सीधा सीधा लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लूंगा। ऐसे सिल्वर ना 108 होता है, तो 216 हो गया मेरे पास, इसका 32 ग्राम होता है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। 216 ग्राम के लिए 32 ग्राम सल्फर चाहिए होता है, तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो फिर कहेंगे 32/216 × 10 ये चाहिए। तो ये आ जाएगा अपने पास 200 320 / 216। अब ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 आ रही ना, आ रही ना ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ अपने पास कि अपन क्या करेंगे कि भाई देखो 10 ग्राम के लिए 1 ग्राम चाहिए, तो 216 के लिए, तो अगर 216 के लिए इसका 32 ग्राम चाहिए, 216 के लिए 32 चाहिए, तो 10 ग्राम के लिए 1 ग्राम से ज्यादा चाहिए। अगर 10 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो अपन ये क्या चाहिए, 1 ग्राम से ज्यादा चाहिए, और है कितना? 1 ग्राम। लिमिटिंग रिएजेंट वो डिसाइड करेगा कितना Ag2S बनेगा। तो बताएंगे ठीक है डिसाइड कर दो भाई, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 सिल्वर ना, 216 और 32 कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट? 842 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट 8। तो अपन कहेंगे भाई 32 ग्राम ऑफ सल्फर गिव्स 248 ग्राम Ag2S। तो सल्फर लिमिटिंग एजेंट है ना, 1 ग्राम कितना देगा? 248 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय, लो भाई आ गया आंसर अपना, ये आंसर यूनिटरी मेथड है। उसके बाद E7, इसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं है मेरे शीट में, मैं उसको देख लूंगा, होगा कहीं ना कहीं होगा, मैं बता दूंगा, चिंता मत कर।
अब अपन यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि तब तक वो क्वेश्चन भी मैं देख लूंगा कहाँ पर है, और बाकी आगे भी सब लोग कर लेंगे सॉल्व, तो अपन कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अपन पहले डाउट डिस्कस करेंगे अप टू सेक्शन एफ, और जो एक्सरसाइज टू में दिया मैंने, और एक्सरसाइज थ्री का पार्ट, एक्सरसाइज वन का पार्ट थ्री, वो सॉल्व कर लेना मैच द फॉलोइंग वाला पार्ट, वो आप सॉल्व करोगे तो आपको काफी सारा पार्ट पता चलेगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं और रुक जाते हैं, ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू।